हम वेलकम लर्न विथ यान। तो आज का हम जो NIT हमने कवर करा है बेसिकली NIT नागपुर, NIT सिलचर एंड तीसरी चीज़ जो हमने आज इंट्रोड्यूस करी है वो करी है IIIT जबलपुर। पहले इससे पहले हमने IIIT की एक भी IIIT कटअप नहीं दिखी थी, लेकिन इस बार पहली बार हम IIIT जबलपुर की कटअप देख रहे हैं। वैसे बता दूं मैं, NIT में जो है रिजर्वेशन मिलती है अगर जिस स्टेट में NIT होती हैं। जैसे अगर आज हमने NIT नागपुर को देख रहे हैं तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को 50% रिजर्वेशन मिलेगी, और NIT सिलचर की बात करें तो आसाम की बच्चे को 50% रिजर्वेशन मिलेगी। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, बट मध्य प्रदेश में IIIT के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ये थ्रू आउट द इंडिया सेम कैटेगरी पे काम करती है। तो IIIT एंड GFTI के लिए कोई कैटेगरी रैंक नहीं होती या कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं VNIT नागपुर को। नागपुर जो है होम स्टेट होगा और महाराष्ट्र के लिए, जो भी महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो अपना होम स्टेट देखें। HS का मतलब यहाँ पे होम स्टेट है, तो तुम अपना रैंक जो है HS के अंदर देखोगे। जैसे हम अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए VNIT नागपुर की कटअप की, ठीक है। तो उसके लिए होम स्टेट में गई है केमिकल इंजीनियरिंग, गई है 14,000 से 23.21 तक, यानी 99.6 से 98.6% से लेकर 97.7% तक, ठीक है। मैं परसेंटाइल ऐसे कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया था कि फिलहाल अभी 10 लाख बच्चों में से कैलकुलेट करना, परसेंटाइल अपने माइनस को 100 में से माइनस करके 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कुछ इस तरह से परसेंटाइल निकलेगी। अगर तुम्हारा 100 रैंक है, अगर तुम्हारी 100% है तो रैंक 1, अगर 99% है तो 10,000, 98 है तो 20,000। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम बाकी जाके जब अप्रैल में ज़्यादा बच्चे हो जाए तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरह से ही निकलेगी। अभी फिलहाल जनवरी में 8,74,000 बच्चे अपियर हुए थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि दोनों मिला के 10 लाख के करीब टोटल बच्चे अपियर होंगे, जो कि दोनों का इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल सकते हो तुम। तो अब हमने आउटसाइड स्टेट की बात करें तो आउटसाइड स्टेट के लिए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो गई है, 2,000 से लेकर 4,000-5,000 तक, यानी 99.5 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, परसेंटाइल चाहिए अगर तुम्हें VNIT नागपुर में कंप्यूटर साइंस लेनी है तो। बट अगर वहीं तुम अगर महाराष्ट्र के हो तो तुम 72.7288 तक कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी गई है, बाकी ब्रांच का आप खुद से रैंक देख सकते हैं मैं यहाँ पे पहुँच करके, ठीक है। नेक्स्ट का बात करते हैं OBC की। OBC के लिए भी जो महाराष्ट्र के हो अपना होम स्टेट देखें और जो आउटसाइड है OS देखें, ठीक है। बट मैं बता दूं OBC के जो भी रैंक है वो उनकी कैटेगरी रैंक है ना, उनकी जनरल इंडिया रैंक है। तो ये कैटेगरी रैंक वही मैच करेगी जब अप्रैल के बाद उनका कैटेगरी रैंक निकल के आएगा, तो वो वहाँ से वो रिचेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी NIT मिलेगी। अगर मान लो तुम्हें किसी और NIT के बारे में देखनी है तो तुम्हें मिल जाएगी लर्न विद ज्ञान के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ NIT कटअप में मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से तुम अपने NIT के बारे में देख सकते हो अगर तुम्हें NIT ये नहीं है तो, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं SC की। अगर पहले OBC की बता दूँ, कंप्यूटर साइंस का ये है आउटसाइड स्टेट के लिए 960 से 1885, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है SC का, और VNIT नागपुर का टॉप 10 के अंदर आती है। अब बात करते हैं SC की कंप्यूटर साइंस का ये 379 से 10027 एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये 780 से 2341। ये सिर्फ होम स्टेट की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड स्टेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये 692 से 8888 एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1296 से 1948, और जो दूसरा अच्छा ब्रांच है वो 1266 से 1628 जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गई है, ठीक है। आर्किटेक्चर वाले भी अपना स्कोर इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं ST की कैटेगरी रैंक गई है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3199 से 3982 तक, एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गई है होम स्टेट के लिए 301 से 1144। अब बात करते हैं आउटसाइड स्टेट ST के लिए, तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गई है 160 से 303, एंड फॉर सिविल इंजीनियरिंग 490 से 554, एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 396 से 647, ओके। तो अपना सारे NIT में चेक कर लेना मैं प्लेलिस्ट में जाके अगर तुम्हारी NITs में ना हो। अब जो बात करते हैं NIT सिलचर, इस NIT सिलचर ने पिछले 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है प्लेसमेंट और क्राउड के हिसाब से भी। तो NIT सिलचर अभी बहुत अच्छा ऑप्शन है, NIT अगर तल्ला से बहुत आगे निकल चुका है NIT सिलचर, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर तुम नॉर्थ ईस्ट में लेना चाहते हो कोई NIT, तो NIT सिलचर ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे तुम कुछ सोच सकते हो इसके बारे में। NIT सिलचर की बात करें तो अगर तुम आसाम के हो तो तुम होम स्टेट देखना, और अगर तुम बाहर के हो तो आउटसाइड स्टेट देखना। मैं आउटसाइड के लिए बताता हूँ, आउटसाइड स्टेट के लिए रैंक जो गई है सिविल इंजीनियरिंग की 25,000 से 32,000 तक, कंप्यूटर साइंस की 10,000 से 13,000 तक। देख रहे हो कि कितनी अच्छी इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है कि 13,000 तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जा रही है, और कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी है। OBC की बात करें, अगर तुम आसाम के हो तो OBC की तो इमेज देख सकते हो, वहाँ कंप्यूटर साइंस गई है बेसिकली 7519 से 21,000 तक। तुम यहाँ पे देख रहे होगे अचानक रैंक क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आसाम में यार ज़्यादा क्राउड होता नहीं है जो कि पढ़ रहे होते हैं, तो आसाम में जो भी OBC है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
नॉट फॉर आउटसाइड स्टेट के लिए, आउटसाइड स्टेट के लिए थोड़ा टफ कंपटीशन है, बट जो आसाम के हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। वैसे भी तुमने पिछले नॉर्थ ईस्ट की 90 दिखी होगी, उस पर काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। बेसिकली अगर जनरल का कैटेगरी के बच्चे भी वहाँ पे 10 लाख 12 लाख में कोई सीट ले जाते हैं, तो अगर नॉर्थ ईस्ट के होते यार तब तो तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब बात करते हैं एससी की, अगर तुम हाउंग स्टेट में हो तो वही सेम सीन ओबीसी जैसा तुम्हें आराम से मिल जाएगी अगर तुम असम वगैरह के हो, और या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से हो तो आराम। लेकिन बाकी और स्टेट के लिए बहुत टफ होने वाला है। देख रहे हो कि 3,000 से लेकर 4,000 तक गई है एससी की टकरी, जो कि अपने आप में ही अच्छे एक अच्छी रैंक है। अब बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की भी ज़्यादा बच्चे होते नहीं असम से, फिर भी रैंक उनकी देख सकते हो, और आउटसाइड स्टेट के लिए भी ठीक ठाक रैंक गई है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है 643 से 1058 गई है, तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कंपटीशन टफ है कंप्यूटर साइंस के लिए फिलहाल। अब बात करते हैं IIIT जबलपुर। देखो IIIIT की फाउंडिंग इसलिए की क्या गई थी, ताकि जिसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांचेज हैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IIIIT जबलपुर एक बहुत अच्छी IIIIT है। इसमें बेसिकली तीन ही ब्रांच होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुछ IIIT ऐसी भी हैं जिसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, बट IIIT जबलपुर में मैकेनिकल ब्रांच भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इसकी कटअप तुम देख सकते हो, जनरल के लिए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो 15,888 तक है, एंड अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बात करो तो 23,000 तक, और अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाना चाहते हो तो अगर जनरल कैटेगरी होता है 29,216, यानी तुम्हें 97% तो किसी भी हालत में चाहिए अगर तुम्हें मैकेनिकल भी लेना है तो, क्योंकि मुझे लगता है 97% के अंदर तुम सेफ रहोगे, 29,000 उसके अंदर सेफ रहेगा। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी कंप्यूटर साइंस का ये 4,094 से 6,231 एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ये 6,204 से 8,089। मैं बता दूँ आज तीनों जो NIT और IIIT मैंने कवर करी है, इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। अगर तुम्हारी रैंक इनके बीच लाई करती है तो तुम कोई भी NIT अभी चूज कर सकते हो। इन तीनों में सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि NIT नागपुर है। NIT नागपुर बहुत आगे है और वो टॉप 5 या टॉप 7 के अंदर जरूर आती है। ठीक है, टॉप 7 के अंदर जरूर है। अब बात करते हैं SC ST की, तो SC यार देख लो, SC के लिए अगर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये जो देख रहे हो तुम, इसमें कोई भी होम स्टेट आउटसाइड स्टेट नहीं है, इसीलिए ऑल इंडिया रैंक पे जो तुम्हारी कैटेगरी रैंक हैगी उसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। जैसे SC है तो SC के लिए तुम्हें जो जो भी तुम्हारा कैटेगरी रैंक होगा उसके हिसाब से ये ब्रांचेज अलॉट हुए हैं। सेम फॉर ST के लिए कंप्यूटर साइंस का ही है, 1,436 से 2,577 एंड 3,835 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 3,607 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से था NIT की कट ऑफ, हमने जो है 3 कवर कर ली है। तो यार इसके लिए तुम ऑल द बेस्ट फॉर अप्रैल, अच्छे से एग्जाम दो। एंड अगर तुम अप्रैल के बाद देख रहे हो तो यार ऐसा है कुछ 2018 का सिनारियो, यही इस साल भी सेम ही रहेगा अप्रॉक्स। मैं भी फिलहाल के 10 लाख में से रैंक बताने के लिए कोशिश की है, तुम अपने आप में 8,74,000 से भी निकाल के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो और रैंक निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला ये है, इसको अप्लाई करके निकाल लेना। ओके, सब्सक्राइब करो यार लर्न विद ज्ञान को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कराया तो, और लाइक करो वीडियो को अगर तुम्हें ये पसंद आती है तो। ठीक है, ओके बाय।